कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास ये पैकेट है, यानी कि कॉर्न्स बाइट है और स्मोकी फ्लेवर है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है ये, मैं लेकर आई थी। अब इसकी एक यूनिक सी चीज़ बनाती हूँ, तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया मैंने फ्राई पैन, आप कढ़ाई या फ्राई पैन कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, तो ये पानी मैं 2 कप डाल रही हूँ और इसको हमें अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। तो पानी हमारा अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, तब इसके अंदर डाल देंगे मैगी के टेस्ट मेकर, यानी जो मैगी के पैकेट के अंदर आते हैं ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये मैं 2 पैकेट डाल रही हूँ, एक डाल दिया है ये एक, और इसको हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें लम्स पड़ जाते हैं और ये चिपक जाता है। तो इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा अच्छी तरीके से पानी के अंदर घुल चुका है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बटर, तो ये 2 चम्मच मैंने बटर लिया है वो भी हम डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पहले मेल्ट होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बटर हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तब इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर मैगी, तो आप चाहें तो तोड़ के डाल सकते हैं या आप साबुत डाल सकते हैं। तो मैं मैगी के इसके अंदर 2 पैकेट डालूंगी, एक डाल दिया है मैंने। तो मैगी के मैंने 2 पैकेट डाल दिए, अब इसको हम अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैगी हमारी पक चुकी है, यानी आधी से ज़्यादा पक गई है, थोड़ी सी रह गई है। तब उसके बाद हम ये कॉर्न्स बाइट डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम पका लेंगे। तो मैगी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और सारे कॉर्न्स बाइट इसके अंदर अच्छी तरीके से वो भी पक गए हैं। तो अब करेंगे एक इसको सर्व बिल्कुल यूनिक तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मैगी को मैंने प्लेट के अंदर सर्व कर दिया है और पास में मैंने कॉर्न्स बाइट लगा दिए। स्मोकी फ्लेवर है, आपको जो भी मिले आप वो ट्राई कर सकते हैं, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। और किसको अच्छी लगी किसको अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऊपर से हम डाल देंगे इसके अंदर प्रोसेस चीज़, यानी मैगी का टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाए। जितना भी आपको डालना है आप चीज़ डाल सकते हैं या मोजरेला चीज़ डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो हमारी यम्मी सी टेस्टी सी स्मोकी चीज़ बाइट मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें मेरा। बाय एंड थैंक यू।